अभी तो कुत्तों का दौर आया है कि कुत्तों का तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल इस्लामिक ट्यूब पर। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अभी चंद दिनों कबल गिरफ़्तार किया गया, उनके लिए मुसलसल आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। आलिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के एमपी हैं जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर एक बयान दिया है। अभी दो तीन दिन कबल वहाँ महाराष्ट्र में एक जलसा मुनाकिद हुआ था, आइए सुनते हैं उसमें इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद के एमपी हैं आलिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुतालिक क्या बयान दिया, आइए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, नाज़रीन शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सुनिए इम्तियाज़ जलील का बयान। एक बार मरहूम मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने किस्सा सुनाया था जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। जो वक्त और जो हालात चल रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बोला भी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया और उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत चोर है, ये हुकूमत चोर है, बस इतना बोलने के ऊपर वो शायर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके ऊपर एफआईआर फाड़ा गया। उसने बोला कि साहब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्यों मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहे? तो पुलिस वालों ने कहा कि तुमने कहा है कि यह हुकूमत चोर है। तो शख्स ने जवाब दिया कि साहब मैंने कौन सा बोला था कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, मैं तो बरतानिया की बोला था, मैंने अमेरिका की बोला था। तो पुलिस वालों ने बोले कि हमको बेवकूफी समझ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या कि कहा कि हुकूमत चोर है। तो उसी तरह से एक मौलाना साहब ने कहा अभी तो कुत्तों का दौर आया है, आवाज यहाँ कुछ कट हो रही है, गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। अबे सुन बे, डंडे वंडे बाद में चलाना जब मैं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़ा बयान दिया था, बड़े बयान का एक हिस्सा उसमें उन्होंने शेर पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अब फलां का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। इम्तियाज़ जलील उसी बात को कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये शेर पढ़ा, किसने बोला कि तुम कुत्ते हो, तुम क्यों समझ रहे कि तुम कुत्ते हो, हमने कौन सा तुम्हारा नाम लेकर कहा? लेकिन रात में जितने भी गए घर के ऊपर सब भौंकना शुरू कर दिए। भाई साहब, अगर आप लोग वॉलंटियर्स अगर बैठ गए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आप लोग बैठ जाए अपनी जगह पे, चलिए बैठिए। ये प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम क्या, हमारे जलसों के अंदर चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। तो देखा नाज़रीन, इस तरह से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान को लेकर इस तरह का बयान दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।